अभी के टाइम में दोस्तों इस टाइप का रील्स फोटो बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है। अगर आप कोई भी प्लेटफॉर्म ओपन करते हैं तो इस टाइप का रील्स फोटो आपको देखने को मिलेगा। और बता दें दोस्तों, इस टाइप का रील्स फोटो बनाना बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान है। आप बहुत ही आसान तरीक़ा से इसको वन क्लिक में बना सकते हैं दोस्तों। तो आइए हम बनाना स्टार्ट करते हैं दोस्तों। और दोस्तों बता दें, अभी तक अगर हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे दोस्त। तो आइए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करते बता दें आपको करना क्या होगा। आपको कोई एक ब्राउज़र ओपन करना होगा जो आपके फ़ोन में अवेलेबल होगा। तो आपको बता दें क्रोम ब्राउज़र सबके फ़ोन में रहता है, तो सिंपली हम क्रोम ब्राउज़र को ओपन करेंगे। क्रोम ब्राउज़र दोस्तों आप जैसे ही ओपन करेंगे कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आप लोग के सामने आ जाएगा। तो सिंपली आप लोग को यहां पर सर्च बार का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो सिंपली आपको सर्च बार में जाना है। सर्च बार में आपको सर्च करना है BING बिंग AI जनरेटर टाइप से आपको लिखना है। आप जैसे ही लिख करके सर्च करेंगे कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आप लोग के सामने ऊपर में दिखेगा। तो सिंपली आपको फर्स्ट वाला ऑप्शन जो आएगा यहाँ पर इमेज क्रिएटर फॉर माइक्रोसॉफ्ट डिजाइनर, इस पर आपको सिंपली क्लिक करना। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं, अगर आप फर्स्ट टाइम ओपन कर रहे हैं दोस्तों तो यहाँ पर ज्वाइन एंड क्रिएट का ऑप्शन देगा। तो हम पहले से डिस्क्रिप्शन में वीडियो दे देंगे, आप बहुत ही सिंपल तरीका से, एक मिनट का वीडियो है वो आप देख करके बहुत ही सिंपल तरीका से आप उसको। तो दोस्तों आप जैसे ही यहाँ पर आप ज्वाइन कर लेंगे, ज्वाइन करने के बाद आपको बता दें कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आप लोग के सामने आ जाएगा। तो बहुत ही सिंपल है। और बता दें डिस्क्रिप्शन में हम टेक्स्ट दे देंगे, उसको सिंपली आपको कॉपी कर लेना है दोस्तों। तो हम अभी यहाँ पर पेस्ट करेंगे। पेस्ट आप जैसे ही करेंगे कुछ इस प्रकार से ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग को दिख रहा होगा ए, सिंपली ए यहाँ पर आप लोग को दिख रहा होगा। तो मेरा नाम है अमित, आपको जो भी नाम लिखना है, आपका जो भी नाम है यहाँ पर आप लिख सकते हैं इस तरीका से। आप यहाँ पर चाहे तो स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं जैसे भी आप। और यहाँ पर आपको क्रिएट दे अगर दिख रहा होगा तो सिंपली आपको क्रिएट पे क्लिक कर देना है। आप क्रिएट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो कुछ समय का टाइम लगेगा प्रोसेसिंग में, तो आपको कुछ सेकंड दोस्तों वेट कर लेना है। और बनाने में कुछ सेकंड टाइम लगता है, तो अभी हम वेट कर लेते हैं। अभी ये मेरे अभी सामने बहुत ही अमेजिंग पिक बन के तैयार होकर के आ जाएगा। आप लोग को बस वेट कर लेना है, 1-2-5-10 सेकंड तक आपको वेट कर लेना है। तो अभी ये देख सकते हैं बन के तैयार हो चुका है दोस्तों, कि कितना ऑसम बन के तैयार हो चुका है। अभी ये देख सकते हैं देखने में कितना मस्त लग रहा है। तो अब आपको जो भी यहाँ पर आपको अच्छा लगा दोस्तों, तो सिंपली उसको यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है। जो भी पिक आपको अच्छा लगा उसको क्लिक करना, उस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो सिंपली कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा आप लोग के सामने। तो सिंपली आपको करना क्या है, यहाँ पर 3 डॉट पे क्लिक करना। 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं डाउनलोड का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो सिंपली आपको डाउनलोड पे क्लिक करना है। तो अभी ये हमारा डाउनलोड हो चुका है। अब आपको दोस्तों रील्स बनाना है, तो रील्स कैसे बनाना है। रील्स बनाने के लिए सिंपली आपको कोई एक एप्लीकेशन ओपन कर लेना है, कैपकट या VN एप्लीकेशन, कोई सी किसी को भी डाउनलोड कर लेना है। अभी हम VN एप्लीकेशन ओपन करेंगे। VN एप्लीकेशन आप जैसे ही ओपन करेंगे यहाँ पर देख सकते हैं प्लस का आइकन दिख रहा होगा, यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट का ऑप्शन दिखेगा। अभी जो आप फोटो जो बनाए उस फोटो के यहाँ पर आपको ले लेना है। उस फोटो के यहाँ पर आप जैसे ही ऐड करेंगे कुछ इस प्रकार से ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर ओरिजिनल पर आप चाहे तो 9:16 का रेशियो यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। इतना करने के बाद एंडिंग वाला पार्ट जो है दोस्तों इसको डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ पर देख सकते हैं म्यूजिक का ऑप्शन दिख रहा है। म्यूजिक पे क्लिक करके कोई भी म्यूजिक यहाँ पर आपको सेव कर लेना है। सेव करने के बाद यहाँ पर देख सकते इफेक्ट्स का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो यहाँ पर कोई भी एक इफेक्ट्स आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है, जो भी इफेक्ट्स आपको अच्छा लगे दोस्तों। तो सिंपली हम अभी ये वाला इफेक्ट्स ऐड कर देते हैं, इसको थोड़ा बड़ा कर देंगे। तो अभी ये मेरा कुछ इस प्रकार से बनकर रेडी हो चुका है, देख सकते हैं कितना अमेजिंग लग रहा है दोस्तों। अब आपको जो भी म्यूजिक आपको अच्छा लगे वो ऐड कर लेना है और एक्सपोर्ट करना है। एक्सपोर्ट कैसे करना है, कोना में देख सकते हैं एक्सपोर्ट का ऑप्शन। अभी यहाँ एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे, अभी हमारा एक्सपोर्ट हो जाएगा। आशा करते हो दोस्तों इस टाइप का रील्स फोटो आप बना लिए होंगे अपने फ़ोन में। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ।